तो आरसीबी ने हड़काया है भैया हैदराबाद को और चेन्नई ने धमकाया है दिल्ली कैपिटल्स को। दोनों टीमों ने सुपर संडे में किया है सामने वाली टीम का सुपड़ा सा और बना दिया है इस पॉइंट्स टेबल को और भी ज्यादा रंग बिरंगा और अपनी टीमों के लिए खुशहाल। और इसीलिए हम डिस्कस करेंगे कि अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कैसे हैं, आरसीबी टीम क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या कहते हैं, कितने चांसेस हैं आरसीबी फैंस के। तो भैया अब मुंह में ना दो दो लड्डू, एकदम खुशी के मारे इनका मतलब फूले नहीं समा रहे। वहीं पर सीएसके के फैंस, क्या अभी भी कुछ मौका है, क्या अभी भी जीवित रहने की बारी है, कुछ तगड़ी इस प्लेऑफ्स की रेस में होने की तैयारी है। अब बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आएगा आज के इस पूरे प्रो पॉइंट सेगमेंट में, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और मैं स्टार्ट ही करूंगा विद द अमेजिंग प्रो पॉइंट। क्या आपको ये बात पता है कि आज का जो मुकाबला है ना उस पर भी तो ध्यान थोड़ा सा अपनी निगाहें बरकरार रखनी है। केकेआर अगेंस्ट एमआई, अगर आज केकेआर टीम मुकाबला हारते हैं तो दे विल बी ऑफिशियली एलिमिनेटेड एंड विल ज्वाइन मुंबई इंडियंस कैंप। मतलब एमआई अभी ऑफिशियली एलिमिनेटेड है और केकेआर अगर आज हारेंगे अगेंस्ट मुंबई इंडियंस ही तो भैया वो भी उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। तो एमआई टीम उनसे बोलेगी आओ आओ हमारे पास आओ, हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाओ। लेकिन केकेआर टीम अपना हाथ पैर झटक के भागना चाहेंगे कि छोड़ दो भैया, हम जो है प्लेऑफ्स के लिए इसमें जीवित रहना चाहते हैं और इसीलिए मुकाबला बहुत खासम खास होगा। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में तो मतलब बता ही देना। और साथ ही साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें इस वीडियो में हम करेंगे। बिफोर दैट मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें। अगर आप अपनी टीम को प्लेऑफ्स में देखना चाहते हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कंपलसरी है, कर दीजिए, फटाफट से कर दीजिए। और हम शुरुआत करेंगे यहां पर अपडेटेड पॉइंट्स टेबल के साथ। अपडेटेड एंड अपग्रेडेड पॉइंट्स टेबल क्या कहती है आफ्टर सुपर संडे क्लैश। देखिए भैया सबसे बड़ा जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा, मैं कहूंगा बदलाव यहां पर पोजीशन में नहीं पर बदलाव हुआ है टीम की मजबूती में। आरसीबी टीम ने अपने आप को नंबर 4 पर और भी ज्यादा सॉलिडिफाई कर लिया है, मजबूत कर लिया है, क्योंकि ना सिर्फ केवल हैदराबाद टीम को आरसीबी ने हराया बल्कि भैया दिल्ली कैपिटल्स को भी चेन्नई ने थोड़ा सा डराया धमकाया और इसकी वजह से आरसीबी टीम को अच्छा फायदा देखने को मिला है। तो ऐसे में इनकी प्लेस नंबर 4 पर बहुत ज्यादा सॉलिडिफाई हुई है और यहां से अब ये टीम ऊपर ही जाना चाहेंगे। तो वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स टीम, भैया इन्होंने जो बड़े मार्जिन की विन यहां पर जनरेट की अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स उसकी वजह से फाइनली ये टीम नंबर 9 स्थान से उठकर अब नंबर 8 पर आ चुके हैं। तो सीएसके देखिए भैया अब यहां से सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है ऊपर जाने का। एवरीथिंग इज स्टिल पॉसिबल, 3 में से 3 मुकाबले जीतिए कुछ भी हो सकता है। ये बात वैसे एंकर ने एमएस धोनी से बोली तो एमएस धोनी ने बोला कि मेरी मैथ कमजोर है तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, हम सिर्फ हर एक मुकाबले की तरफ ध्यान देंगे। तो इसीलिए अब बहुत मजा आएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये पॉइंट टेबल बहुत अभी अपने रंग दिखाएगी। और इसीलिए भैया गेन एंड गॉन फैक्टर में हम भी थोड़ा सा हरे एंड नीले के रंग देख लेते हैं कि किसको फायदा हुआ है प्रॉफिट इन ग्रीन सिग्नल, किसको लॉस हुआ है। तो देखिए भैया जो सबसे बड़ा गेन आज हमें देखने को मिला ऑब्वियसली वो हुआ है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वाली ताबड़तोड़ टीम को। और भैया फाफ की पलटन ने ना यहां पर निस्ता नाबूद किया हैदराबाद को और +29% से इनके चांसेस को इंक्रीज किया प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के। जो सिनेरियोस हैं वो अब पूरी तरीके से आरसीबी के पक्ष में, 33% से 62% पे ये टीम आ चुकी है, विच इज ऑलमोस्ट अ डबल छलांग, मतलब 2 गुने की छलांग इस टीम ने ली है। और भैया इस तरीके से खेलते रहना तो आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा, कोई टोक भी नहीं पाएगा। आरसीबी वेल डन, अमेजिंग परफॉर्मेंस, अमेजिंग डोमिनेंस। और आरसीबी के फैंस थोड़े से खुश हो रहे होंगे, मुझे पता है भैया लड्डू फूट रहे हैं आपके मन में। एंड देन हम बात करें यहां पर जो दूसरा हमें गेम देखने को मिला वो देखने को मिला चेन्नई चैंपियन सुपर किंग्स टीम में, एंड सीएसके टीम को +2.8% का गेन देखने को मिला है। देखिए नंबर्स के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन जितना इनका इसके पहले चांसेस थे ना 0.3% ही तो थे, लगभग तो बाहर ही है। और उसके बाद आपको अगर 2.8% का इजाफा देखने को मिला तो मतलब आप लगभग 3% के आसपास आ गए, तो उस हिसाब से बड़ा गेन है क्योंकि बड़े मार्जिन से आप जीते हो, नेट रन रेट भी आपका अच्छा हुआ है। और उसके बाद देखिए ये इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, विच मीन्स एनीथिंग तो कुछ भी हो सकता है भैया। और ऐसे में अब हम बात करें यहाँ पर गॉन फैक्टर के बारे में कि कौन सी टीमों को थोड़े से दिल टूटे हैं भैया, हमारे बहुत पिटाई हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत जालिम दुनिया है भाई, बहुत दुख दर्द पीड़ा है। तो देखिए भैया सबसे पहले यहाँ पर जो गॉन हमें देखने को मिला है वो हुआ है गोवा गॉन हैदराबाद टीम के साथ। और इनके लिए आई थिंक ये 4 में से 4 मुकाबले हार गए हैं लास्ट, मतलब स्ट्रीक चल रही है, पहले वो जीत की लगातार स्ट्रीक चली थी, इन्होंने 5-6 मुकाबले लगातार जीते, अब फिर हार के चल रही है। लेकिन इस वक्त हारना हैदराबाद टीम को शोभा भी नहीं देता और हैदराबाद टीम के जो सूर्य बहुत अच्छा जो है उदय हुआ था वो फिर एक बार फिर से अस्त होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये अच्छी खबर
ऊपर नहीं है हैदराबाद के लिए, और आज का जो घाटा है वो बहुत ज्यादा चोट पहुंचाएगा। -26% का नुकसान हैदराबाद को झेलना पड़ा है, और इनके चांसेस जो अब तक क्वालिफाई करने के 39% थे वो घटकर मात्र 13% बचे। और जैसा मैं आपको बोलता हूं कि less than 10%, विच मीन्स यू आर ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड, अगर आपके 10% से कम आसार है तो समझ लीजिए आप बेअसर होने वाले हैं पॉइंट टेबल की रेस में, ऐसा मुझे लगता है। खैर हैदराबाद टीम अभी भी चांसेस हैं, पर कहीं ना कहीं रोड अब बहुत मुश्किल हो गई है। दिल्ली कैपिटल्स टीम -16% का लॉस इस टीम को भी हुआ, 38% से चांसेस इनके घट के अब मात्र 22% पर बचे हैं, और इसके पहले हैदराबाद के इस मुकाबले के पहले माफ कीजिएगा दिल्ली के चांसेस काफी अच्छे थे, लेकिन चेन्नई ने जिस तरीके से इस टीम को धो दिया, रौंद लिया, सबसे पहली बात तो नेटरनेट को तो स्वाहा कर दिया। वो जो नेटरनेट का एडवांटेज हम चिल्ला रहे थे कि इनको नेटरनेट का एडवांटेज है, ये मुकाबले जीतेंगे तो फिर क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई इनको नहीं रोक पाएगा, उस चीज को तो पहले सीएसके ने ध्वस्त कर दिया, और उसके बाद मुकाबले भी हार गए तो फिर आरसीबी और सामने वाली टीमें आरआर उनको और एडवांटेज भी मिल गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये नुकसान कर रही हैं दिल्ली कैपिटल्स टीम को, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हर्ट किया है। और खैर ऐसे में अब हम बात करते हैं आईपीएल के लेटेस्ट क्वालिफिकेशन सिनेरियोस ऑफ ऑल 10 टीम्स कल के मुकाबले के बाद क्या है। लखनऊ सुपर जायंट्स 99.5% मीन्स दे आर ऑलरेडी क्वालिफाइड। देखिए लखनऊ नवाब मुस्कुराइए यार, चीख चीख के, अरे चिल्ला के मुस्कुराओ, मैं कह रहा हूँ काहे को टेंशन लेनी है, तुम क्वालिफाई हो। वहीं पर दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस टीम 97%, वेरी गुड चांसेस, मोमेंटम थोड़ा सा लॉस हुआ है, अब मुकाबला जीतना है भैया, अब हार नहीं है, बर्दाश्त नहीं हो सकती भैया, अब हारोगे ना तो थोड़ा फंस ना जाना है यार, देखना कहीं नहीं तो हम कह रहे हैं कि क्वालिफाई, तो गुजरात को अब जीतना पड़ेगा। और उसके बाद रजवाड़ी 87%, पिछला मुकाबला अच्छे तरीके से जीता है और मुझे लगता है ये भी क्वालिफाई कर जाएंगे। आरसीबी नंबर 4, बेंगलुरु 62%, आर दे मेकिंग इट इन टू द प्लेऑफ्स, आई थिंक सो, मतलब मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ ये प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेंगे, पंजाब नहीं कर रही है वो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है, बाकी उसके अलावा तो काफी प्रिडिक्टेड लिस्ट हमें देखने को मिल रही है। और ऐसे में क्या हमें हमारे टॉप फोर मिल गए हैं, क्या है ये, यही है वो टॉप फोर, क्या देखेंगे। एंड देन उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स टीम 22% चांसेस, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा चोट यहाँ पर पहुँची है दिल्ली को, दिल वालों की दिल्ली है लेकिन दिल पर थोड़े से घाव लगे हैं भैया, ऐसा प्रतीत होता है। पंजाब किंग्स टीम 16% चांसेस हैं और सब मुकाबले डू और डाई हैं, हारे तो भैया घर जाओगे। और उसके बाद हैदराबाद टीम, इनका सूरत हाल और ख़राब हो चुका है, 13% चांसेस, काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है एंड परिस्थितियां टफ हुई हैं, वो हैदराबाद पंजाब दिल्ली ये सब लाइन से लगे हुए हैं, वो सब नेटरनेट के जो है फर्क से आगे पीछे लगे हुए हैं, सब बोर्ड में लगे हुए हैं, और यहां से अगर कोई एक टीम मतलब कोई कमबैक कर सकता है तो कर सकता है, नहीं तो फिर तो बहुत मुश्किल ही है। और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स टीम 3%, थोड़ा सा इंक्रीमेंट जरूर देखने को मिला है बट रोड्स आर स्टिल वेरी वेरी टफ। और केकेआर टीम, देखिए आज का मुकाबला डू और डाई है, 0.5% आपके चांसेस अभी भी बचते हैं, मैथमेटिकली कैलकुलेटिवली मतलब वो बहुत सारे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके, पर वो सब ध्वस्त हो जाएगा अगर आज आप हारोगे तो। डू और डाई मुकाबला आज आपका एमआई के अगेंस्ट है और एमआई टीम दे आर ऑफिशियली एलिमिनेटेड, तो उनके बारे में ज्यादा डिस्कस करना नहीं है। और ये है भैया लेटेस्ट क्वालिफिकेशन सिनेरियो सभी टीमों के, आईपीएल 2022 में कैसे कर सकती है आपकी टीम क्वालिफाई, मैंने सब कुछ बताया, चांसेस भी बताए, परसेंटेज भी बताए, एंड उसके बाद अब मैं आपको आपका पक्ष रखने का मौका देता हूं क्योंकि ये हमारा चैनल है ना, तो आप अपना पक्ष रखिए, अपने पॉइंट्स रखिए। आपको क्या लगता है कि जो मैंने वो जो है ऊपर बोला ना, क्या आपको लगता है कि हमें हमारे टॉप चार मिल गए, मतलब ये जो पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त टॉप चार नजर आ रहे हैं, लखनऊ, गुजरात एंड देन राजस्थान एंड देन आरसीबी, क्या यही कर रहे हैं आईपीएल 2022 प्लेऑफ में क्वालिफाई, या फिर अभी कोई मिर्च मसाला बाकी है, क्या लगता है, क्या लगता है, प्रेडिक्शन करो ना यार, और फटाफट से कमेंट सेक्शन में और लिखकर बताओ अपनी राय। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो स्मैक दैट लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारी फैमिली का हिस्सा बने, हमारी फैमिली से जुड़िए एंड मिलते हैं बहुत जल्द। और साथ ही साथ जैसा मैंने बताया फैंटेसी 11 आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, तो वहां पर भी फॉलो कर लो, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।